पिछले कुछ दिनों से रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों की निशानदेही पर 12 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, साथ ही मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि ये अपराधी मोटरसाइकिल की चोरी कर उसका इंजन और 46 नंबर बदल कर बेच देते थे। पुराना किस्मत तो है ही सब ना, पहले का ही प्रीवियस हिस्ट्री है ना। हाँ, रातू से सर जेल गया। ओके, हाँ ठीक है, बोले सर। क्या कुछ पूरा मामला है? पिछले कुछ दिनों से सर देखा जा रहा था कि रांची ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित विभिन्न थाना क्षेत्र से लगातार वाहन चोरी की संख्याएं बढ़ी जा रही है और डिफरेंट तरह का मोडस अपरेंड आए। कहीं भी कोई स्केच नहीं, कोई फुटेज नहीं, कोई क्लिप नहीं, कोई भी मोबाइल का यूज नहीं हो रहा था। तो संभव एक चुनौती थी कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में, जिनमें इनके साथ SDPO चार्ज में खिलाड़ी में थे बकला साहब, साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर मांडर संजीव जी, थाना प्रभारी प्रमोद और उनके साथ ही सब इंस्पेक्टर लोग थे। इन लोगों ने काफ़ी मशक्कत के बाद जब किसका इन्वेस्टिंग प्रारंभ हुआ तो पता चला कि कुछ लोकल लड़के हैं जो पूर्व में भी इस तरह के काम में संलिप्त रहे हैं, जेल जा चुके हैं। उन लोगों के द्वारा एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक सिंडिकेट की तरह काम करते हुए लगातार विभिन्न विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल उठाए जा रहे हैं, उसको सुदूरवर्ती उसका 46 नंबर इंजन नंबर सब चेंज करते हुए सुदूरवर्ती देहात में बेचा जाता है या जो कह सकते हैं कि बॉर्डरिंग इलाके में उसे खपाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस टीम के द्वारा सर्वप्रथम अबू तालिब नामक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई और इसकी निशानदेही थे फिर तौफीक अंसारी, अमीन अंसारी, एजाज अंसारी, नौशाद अंसारी की अरेस्टिंग की गई। कुल मिलाकर 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है जो सिंडिकेट के लोग थे और इन लोगों की निशानदेही पर विभिन्न क्षेत्रों से कुल मिलाकर अभी तक 12 मोटरसाइकिल की रिकवरी हुई है। ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।